आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए एक बहुत ही सुंदर एक प्राचीन पुष्प आपको दिखाई दे रहा है। कहते हैं रेयर है ये वाला पुष्प। इसकी सुगंध, इसकी मेडिसिनल वैल्यू, इसकी आध्यात्मिक वैल्यू, इसकी गृह विधाओं में वैल्यू, अपनी सुंदरता के कारण विशेष रूप से इसको राजकीय दर्जा दिया गया है उत्तराखंड में। ये जो पुष्प देख रहे हैं आप, ये मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त तक ये खिलता है पुष्प। और ऐसी मान्यता मानी गई है कि वर्ष में केवल ये एक बार खिलता है और बाकी तो फिर तरह तरह के जितने मुंह उतनी बातें, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। आप देखिए इसकी सुंदरता, आप देखिए। ये तो निश्चित है कि ये रात्रि काल में खिलता है, 8 बजे 9 बजे इसका खिलना शुरू होता है और फुल ब्लूम पे आता है ये मिडनाइट में। इसको इसलिए इसको नाइट क्वीन भी कहते हैं, इसको मिडनाइट क्वीन भी कहते हैं। ये जो देख रहे हैं आप फूलिए वाला, ये वस्तुतः ये एक्चुअली एस्टेरेसी फैमिली का पौधा है। एस्टेरेसी फैमिली में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। जैसे सुना होगा आपने, सूरजमुखी का है, गेंदा है, डेलिया है, कुसुम है, भेंगराज है, ये सब एस्टेरेसी कैटेगरी में आते हैं। ये जो पौधा है इसका जो बॉटनिकल नाम है इसका, वो है ससरिया ओवेलाटा। ब्रह्मकमल सामान्य भाषा में इसको बोला जाता है। मैंने इसके बहुत सारे इसके मैंने देखे, इसके वीडियोस देखे, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैंने इसको वास्तव में भी जाके देखा। वास्तव में अगर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में, जो पहाड़ी हमारा वर्ग है, बहुत मान्यता है इस फूल की। वहाँ मानते हैं इसको कि अगर इस पुष्प को ये, अगर मान लीजिए जैसे वहाँ पे इतनी मान्यता है कि बहुत से लोग तो कहते हैं कि इसको तोड़ के देव को अर्पित नहीं किया जाता। इसको जो साक्षात इसको देव मान के इसके दर्शन करते हैं, इतनी आस्था है इसमें। और ये जो इसका जो जो अगर चाहते हैं, जो देव पे चढ़ते भी हैं, ये जो जो निर्माल्य होता है, जो उतरे हुए फूल होते हैं, उनको माला बना लेते हैं और फिर माला बना के वो अपने अपना उनका कोई वर्किंग प्लेस है, कोई दुकान है, कोई घर है, उसके मुख्य द्वार पर लगाते हैं। मान्यता है वहाँ पे कि इस प्रकार से द्वार पे लगाने से नेगेटिविटी ख़त्म होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होती है और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है इन पुष्प को, इतनी इसकी मान्यता। ये पुष्प ब्रह्मा जी का बहुत प्रिय है तो इसलिए इसको ब्रह्म पुष्प भी कहते हैं। शिव प्रिय है, शिव जी को चढ़ाया जाता है ये वाला पुष्प। और ये आस्था की पराकाष्ठा यहाँ तक है, कहते हैं कि अगर 100 पुष्प अगर चढ़ाए जाएँ और एक पुष्प ब्रह्म कमल का शिव को अर्पित किया जाए तो बराबर है, इतनी मान्यता इसकी। ये जो मैं पुष्प दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारे सहयोगी, हमारे मित्र पूना से सुवर्णा पाटिल जी, उन्होंने भेजा है। वो प्रकृति प्रेमी हैं, फूलों को विशेष प्यार है उनको, अपने घर में लगाए उन्होंने। उनसे मुझे प्रेरणा मिली, मैंने देखा, मैंने सर्वे किया कि ये पेड़ तो प्लेन में भी लग रहे हैं, जैसे मान्यता है लोगों के पहाड़ी क्षेत्र में लगते हैं, एक सर्टन एल्टीट्यूड पे ही ये पनपते हैं। सत्य है, क्योंकि जो वो वैरायटी है जो पहाड़ों में जो मिलते हैं और आप इस पुष्प को देखेंगे तो डिफरेंस है दोनों में। तो ब्रह्म कमल ये भी है, ब्रह्म कमल वो भी है, मगर वो हो सकता है रेयर हो। जैसे क्योंकि मैं जब मैं वैली ऑफ फ्लावर्स गया था उस समय बहुत खिले हुए थे और फुल ब्लूमिंग था। मैं तो गया था अगस्त महीने में, अगस्त में दुकानों में बहुत ब्रह्म कमल लगा रखे थे, इतने बहुतायत में होते हैं वहाँ पे ये। तो इसका मतलब अगस्त तक तो होते ही होते हैं, मगर निश्चित रूप से वो ब्रह्म कमल और ये जो पुष्प देख रहे हैं, इनमें दोनों में अंतर है। इसका जो सामान्यतः पौधा देखा गया 3 फिट तक होता है, 4 फिट तक होता है, मगर जो सोर्णा जी ने जो पौधा लगाया ये 15 फिट तक ऊंचा है। आप इनकी पत्तियों में देखिएगा कि इसमें स्टेम नहीं होते, इनकी टहनियाँ नहीं होती। एक पत्ती में जो जहाँ पे इसके कट हैं पत्तियों के, आप देखेंगे कि 12, 13, 14 कट हैं, तो हर जहाँ पे कट है वहाँ पे बड बन रही है एक। तो यानी कि एक पत्ती में 8, 10, 12, 15 तक पुष्प खिलते हैं। ये बात है कि इन्होंने जो देखा, मैंने भी जो लोगों से पता किया कि ये पुष्प वर्ष में 2 बार 3 बार 4 बार तक भी खिलते हुए देखे गए हैं, तो वो मान्यता गलत है कि वर्ष में केवल एक बार खिलता है, खिलते हैं ये। और ये सत्य है कि रात में खिलते हैं और रात में खिलने का इनका वही फुल ब्लूम पे होते हैं, मगर ये तो निश्चित है। जो मैंने सूंघे हैं, इनकी सुगंध मदमस्त सुगंध होती है, अगर ज़्यादा नाक के पास रख लेंगे तो इतनी तेज़ इसकी फ्रेग्रेंस है, इतनी तेज़ इसकी स्मेल है कि जुकाम हो जाएगा आपको, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और कमरे में रख लिया तो महक जाएगा बिल्कुल। अब पता नहीं क्यों इसके परफ्यूम क्यों नहीं बनाए रहे लोग बाग,
अगर इसकी फार्मिंग को नहीं, क्यों नहीं प्रमोट कर रही सरकार, अगर बना के इसके इसके इत्र बनाए जाएं, इसके परफ्यूम बनाए जाएं, इसके डिओ बनाए जाएं, तो चलिए वो एक अलग विषय है। सावन के दिन चल रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी को पहाड़ी क्षेत्र में अगर ये मिलता है सौभाग्य से, तब शिव को अर्पित करें, ये सबसे अच्छा उपाय मैं जो मानता हूँ, भगवान के चरणों में रखे इसको अर्पित कर दे। कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर तो होते ही नहीं अब, तो अगर मान लीजिए कहीं मिले जिस क्षेत्र में ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, वहाँ पे वहाँ पे ब्रह्म कमल चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। और वो जो निर्माल्य है, जो 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 देव के चरणों से या देव पे अर्पित किया गया पुष्प, अगर आपके घर ला के रख लेते हैं तो बहुत शुभ सिद्ध होगा, भाग्यशाली सिद्ध होगा। मैंने जो अपना जो मैं करवाता हूँ, जो मेरा तो मूल उद्देश्य, हर चीज़ को मैं गोह विधाओं से जोड़ता हूँ, और गोह विधाओं से जोड़ने का केवल एक पर्पस होता है कि इसी बहाने कम से कम अपने स्वार्थ के वश, अपने 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 ओन इंटरेस्ट के कारण, कम से कम ये जो जीव है हमारे, ये जो हमारी वनस्पति है, ये जो हमारी वन संपदा है, इसका कम से कम प्रोटेक्शन तो हो। आदमी को टेम्पटेशन तो इनको लगाने के लिए, सिर्फ ये देने का रीज़न होता है। जो इनका ब्लूमिंग टाइम होता है रात में, जिसमें फुल ब्लूम पे होते हैं ये, 10 बजे 11 बजे 12 बजे नींद को त्याग करके आप वहाँ बैठ जाइए, केवल बैठना मात्र है, कोई खटराग नहीं करना, कोई पंचकर्म नहीं करना, कोई षटकर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, बैठ जाइए। कोई दिशा का वो नहीं है, भेद है, पुष्प जहाँ आपका लगा हुआ हो आप देखें कि कब खिल रहा है, ये तो आपको पता चल जाएगा रात में 7 बजे 8 बजे कि ये पुष्प रात में खिलने वाला है, वहाँ पर बैठ जाइए आप। और बैठने के बाद में 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे जितना आप पेशेंटली बैठ सकते हैं, जो भी आप मंत्रोच्चार करते हैं, विशेष रूप से मंत्र जो करे जाते हैं, देवियों के मंत्र करे जाते हैं, शिव का कोई मंत्र करा जाता है, जो भी आपके जबान पे चढ़ा हुआ हो उस मंत्र का आप निरंतर जाप करिए। और अगर मान लीजिए लक्ष्मी जी की दरकार है, अगर आपको लक्ष्मी जी की आपको तमन्ना है, तो फिर आप लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जाप कीजिए। मगर ये बात ध्यान रखिए कि अगर कोई जाप कर रहे हैं तो एक ही मंत्र पकड़िए, जो भी पकड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए शिव का महामृत्युंजय पकड़ रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो केवल महामृत्युंजय का जाप कंटिन्यूसली करते रहिए जब तक कि फूल खिल नहीं जाता, यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। अगर मान लीजिए व्यक्ति स्वयं बीमार है, किसी वो नहीं कर सकता, उसके निमित्त कोई दूसरा कर रहा है, तो फिर उसका मानसिक संकल्प लेके, मानसिक रूप से उसका ध्यान करके, वो फिर उसकी एवज में वो जाप कर सकता है। और ये पुष्प मॉर्निंग में, ये आप देखेंगे जैसे सूर्योदय होता है ना, ये मॉर्निंग में 6 बजे 7 बजे फिर अपने आप धीरे धीरे मुरझाने लगता है। तो जब ये मुरझा जाए मॉर्निंग में, इसको तोड़ लीजिए और इसको किसी डब्बी में बंद करके अपने रख लीजिए, किसी भी जहाँ भी आपके शुभ आपका स्थान समझते हैं अपने घर के, वहाँ रख लीजिए। ये प्रॉस्पेरिटी के लिए, ये गुड लक आपको सिद्ध होगा, ये एक विग्रह बन जाएगा। तो ये ब्रह्म पुष्प का मैंने एक छोटा सा विवरण दिया, तो वो मान्यताएं कि वर्ष में एक बार खिलता है, वो मान्यताएं कि ये केवल पहाड़ों में खिलता है, वो मान्यताएं कि ये प्राचीन वृक्ष है, वो मान्यताएं कि ये निकलता नहीं है, इसको लगाना बहुत सरल है। आप इसका पत्ता तोड़िए, एक पत्ता देख लीजिए, बड़ा सा पत्ता हो, हरा पत्ता हो, उसको तोड़ के जहाँ इसका बेस है, जहाँ से निकला है, मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी अपने क्षेत्र की काली मिट्टी इसके लिए अच्छी बताइए सुवर्णक जी ने, मगर जो भी मिट्टी उपलब्ध है, अगर मान लीजिए उस मिट्टी में आप कंपोस्ट की खाद ऑब्वियसली डालेंगे, बड़ा गमला ले लीजिए, कैल्शियम युक्त खाद इसके लिए बड़ी अच्छी होती है। अगर कैल्शियम युक्त खाद आपको मिल जाती है, उसमें आप इसको लगा दीजिए पत्ते को, और थोड़ा सा शेक दीजिए इसको, पानी कम डालिए, आप कहीं रख दीजिए इसको छाए में, 15-20 दिन 25 दिन में इसमें से आप देखेंगे कि ये हरा होने लगा, इसमें से ये एक पुष्प में, जो ये पुष्प है आपका, ये एक पौधे में परिवर्तित होने लगा, और ये आपका 1.5 साल 1.5 साल 2 साल में आपको फूल देने लगेगा। तो ये भी मान्यता इसकी पहाड़ों में मानी गई है कि इसको खरीदा नहीं जाता, इसको इसका क्रय विक्रय नहीं किया जाता। तो अगर मान लीजिए ये आपका लग जाता है, तो आप किसी को पत्ता प्रेजेंट कर दीजिए, किसी को बर्थडे गिफ्ट देते हैं, अपनी फियांसी को देते हैं, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को देते हैं, किसी और को प्रेजेंट करते हैं, तो एक पत्ता प्रेजेंट कर दीजिए कि इसको गमले में रोड़ो, इसको गमले में लगा ले। अगर मान लीजिए हम इस तरीके से चेन बना लें कि सब लोग अपने गमलों में ये ब्रह्म पुष्प लगाएं, तो कितनी सुगंध वातावरण में भर जाएगी।
अगर मान लीजिए एक घर में हम 10 कमरे लगा लेते हैं, हमारे हमारी कॉलोनी है, हमारी सोसाइटी है, मान लीजिए अगर उसमें 50-100 कमरे ब्रह्म कमल के लगे हुए हैं, पूरे का पूरा एटमॉस्फेयर चार्ज हो जाएगा इसकी सुगंध से। जो निगेटिविटी है, जो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा है, वो पॉजिटिव ऊर्जा में बदलने लगेगी। ये सत्य है, सत्य है, पुनः पुनः सत्य है। बहुत छोटा सा एक क्लिप मैंने दिया है ब्रह्म पुष्प को लेके। अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटी सी आती है, देखिए उसमें एक क्लिक जरूर कर दिया करें, इससे हमारे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस में देखिए मैं गुप्त सुप्त और लुप्त चीज़ें लाता हूँ, वो चीज़ें लाता हूँ जो सारगर्भित हैं, लॉजिकल हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।